हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी है शाम का टाइम और चारों ओर छत पे मिस्त्री लोग हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा देर बैठ गई। सोची कि थोड़ा सा ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, और 2 दिन से तो कोई ब्लॉग नहीं जा रहा है क्योंकि तबीयत काफ़ी ख़राब चल रहा है, और अभी भी तबीयत उत्तर मतलब ठीक नहीं हुआ है। लेकिन सोची कि चलो ठीक, तबीयत मतलब थोड़ा सा भी ठीक लग रहा है तो थोड़ा ब्लॉग स्टार्ट करते। पता नहीं आप लोग से बात करती हूँ या थोड़ा सा ब्लॉग व्लॉग बनाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, मतलब ऐसे अच्छा फील होता है। तो सोची, और यहाँ पे ये जो क्या बोलते हैं इसको, जोड़ की क्या इसको बोलते हैं, पूरा ओठ में यहाँ पर निकला था, तो मेरे पास जो इसमें लगाने वाला मलहम होता है ना वो था, तो मैं उसको लगाई तो फाइनली ये ठीक हो गया है। रात में लगाई थी इसमें, और मतलब कल से लगा रही हूँ, तो जितना भी मतलब होता है ना फोका फोका हुआ तो सब फूट गया, अब ठीक हो गया। अभी भी मैं लगाई हूँ मलहम तो वो निकला है, और बुखार थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसे लग रहा है कि बुखार जैसा तबीयत है, लेकिन मतलब होता है ना कि फील करिए कि तबीयत ख़राब है तो और तबीयत ख़राब होता है, तो मैं सोची कि चलो क्या उतना मतलब वो भी क्या करना है। तो अभी मैं आई हूँ छत पे, शाम का टाइम है और शाम के बज रहे हैं शायद 5। बच्चे आए, बच्चों को खाना पीना सब खिलाने के बाद बर्तन धोई और छत पे आई हूँ कपड़ा उठाने के लिए। तो सोची कि चलो आज छत पे से ही ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो बताइएगा आप लोग कैसे हैं, और आवाज़ भी थोड़ा यूँ ही आ रहा है मतलब घर बज्जू टाइप का, तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। तो अभी तो मैं तो नाश्ता नहीं की हूँ, देखती हूँ नीचे जाती तो कुछ खाती हूँ या चाय बना के पीऊँगी। चाय पीने का मन कर रहा है क्योंकि गला भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, तो होगा तो चाय पीऊँगी, चाय के साथ देखती हूँ कुछ खा लूँगी। तो यही है आज का। और मैं उस दिन नर्सरी गई थी तो फूल लाई थी, थोड़ा आवाज़ निकले लग रहा है गला बैठ गया। तो उस दिन मैं नर्सरी गई थी तो फूल लाई थी, तो नीचे तो मैं आप लोगों को दिखा दी थी फूल सब, लेकिन लगाने के बाद दिखाई ही नहीं, और उसमें से काफ़ी सारा फूल सूख भी गया है और कुछ कुछ फूल इतना अच्छा मतलब ग्रो भी कर दिया है। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ थोड़ा सा आप लोगों को, उसके बाद फिर मैं नीचे चलती हूँ, तो देखते हैं क्या करते हैं। ऐसे ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ लेकिन एंड मतलब एंड ही नहीं हो पाता है क्योंकि शाम होता है तो इतना मेरा तबीयत ख़राब हो जाता है कि उसको एंड करने का भी टाइम नहीं मिलता है। मतलब होता है ना कि मोबाइल उठाने का ही मन नहीं करता, इतना तबीयत ख़राब मतलब फील होने लगता है। तो चलिए थोड़ा सा दिखाती हूँ आप लोगों को, बने रहिए ब्लॉग में। तो एक ये वाला लेके आई थी गेंदा का फूल, तो इसमें से कुछ कुछ फूल मैं तोड़ दी हूँ भगवान को चढ़ाने के लिए, और इसमें सब ये लगा है फूलने के लिए। और ये वाला गोदावरी लाई थी, इतना मतलब अच्छा था, पूरा ये सूख गया है, मतलब पौधा ही सूख गया है इसका। तो ये दो ये हो गया, उसके बाद ये एक ये वाला गेंदा है जो अब इसमें कोड़ी लग रहा है फूलने के लिए, और एक ये वाला गेंदा है, तो ये मतलब फूला था तो मैं सब चढ़ाने के लिए तोड़ ली थी। और एक ये वाला फूल है, पता नहीं ये सूरजमुखी टाइप का कुछ फूल है, तो इसको भी मैं तोड़ दी थी चढ़ाने के लिए, और ये मतलब वो हो गया है। और सबसे सुंदर फूल यहाँ पे है, तो ये वाला फूल देखिए कितना सुंदर फूला है। तो एक ये लेके आई थी, तो मुझे लग रहा है ना कि सबसे बेस्ट फूल यही है। तो देखिए कितना अच्छा ये फूला है, मतलब ये इसका एक ना पत्ता सूखा है ना कुछ भी, और इतना सुंदर लग रहा है ये। और बाकी ये सब तो जैसा का तैसा हो ही रहा है। तो एक वही फूल जो अच्छे से मतलब होता है ना सुंदर दिखने में लग रहा है, बाकी सारा फूल तो यूं ही लग रहा है। तो चलिए मैं फटाफट उठाती हूँ कपड़ा, और मैं मिलूँगी फिर आप लोगों से नीचे, देखती हूँ मिलती हूँ कि क्या करती हूँ आप लोगों से। गला से तो आवाज़ निकल नहीं रहा है, तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से फिर थोड़ी देर बाद, बने रहिए ब्लॉग में।